बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। और आज हम रमजान ईद स्पेशल में बनाए गए चिकन कौरमा, जिसे शादियों में दावतों में खाया जाता है। इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही ज्यादा रिच होती है और खाने में ये बहुत ही मजेदार होता है। तो चलिए देखते है कि चिकन कौरमा किस तरह से बनता है। चिकन कौरमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसे हम मसाले लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। तो 1 नींबू का रस लिया है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच नमक डालेंगे या स्वाद के मुताबिक। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर हल्दी हमें थोड़ी सी लेनी है। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम हाथों की मदद से। बिस्मिल्लाह। आप नींबू के रस की जगह पर इसमें 1 चम्मच दही भी ले सकते हो। 1 से 2 चम्मच दही ले लीजिएगा या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हो। चिकन में हमने मसाला लगा दिया है और इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो। 1 घंटा हो चुका है, चिकन में मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं। तो चलिए अब इसके मसाले में क्या क्या लेना है तो वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने 8 बादाम को पानी में भिगो दिया था और उसका छिलके निकाल लिए हैं। और यहाँ पर हमने 14 से 15 काजू लिए हैं। तो इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो आप इसकी जगह पर मूंगफली के दाने और खसखस को भी ले सकते हो, यानी खसखस और मूंगफली का पेस्ट बनाकर भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हमने 200 ग्राम दही ली है, तो ज्यादा खट्टी वाली दही नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। और यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच जो सूखा नारियल होता है उसे मिक्सर में पीस लिया है और इसका इस तरह से बारीक पेस्ट तैयार किया है बिना पानी डाले। काजू और बादाम को हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर में इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 बड़ी साइज की प्याज को बारीक स्लाइस में काट लिया है और तेल में फ्राई करके इसका बिरस्ता तैयार कर लिया है। प्याज को हमें मिक्सर में जाड़ा मोटा क्रश कर लेना है पानी डाले बिना। जब आप प्याज को कोरमे में डालें उसी टाइम पर प्याज को जाड़ा मोटा क्रश करें, वरना जो कोरमे का कलर है तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसका हमें पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर हमने जायफल का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, जावंत्री, 1 जावंत्री का मतलब टुकड़ा लिया है। मेरे पास टूटे हुए टुकड़े थे, आप अखा टुकड़ा हो तो वो ले लीजिएगा। और यहाँ पर बड़ी इलायची 2 ले ली है, तो जिसके हमने छिलके निकालकर बीज ले लिए हैं। और 8 से 10 हमने काली मिर्चे ली है। 1 चम्मच जीरा लिया है, इसका भी हम मिक्सर में पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। चिकन कौरमा बनाने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और जो बिरस्ते को फ्राई किया था उसी का बचा हुआ तेल है ये। 3 बड़े चम्मच तेल है। तेल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे। तो खड़े गरम मसालों में हमने 2 तेज पत्ता लिया है, 3 से 4 लौंग ली है और 7 से 8 हरी इलायची ली है। इलायची इसमें थोड़ी ज्यादा ही जाती है। और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा इसे भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आए। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि हमने जो भी मसाले चिकन में लगाए हैं तो वो तेल में अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। गैस की आंच को हमें तेज ही रखनी है और तेज आंच पर इसे भून लेंगे 2 मिनट के लिए। हम 2 मिनट तक चिकन को मैंने अच्छी तरह से तेल में भून लिया है। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, तो 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। और जो सूखा खोपरा था उसका हमने इस तरह से पाउडर बनाया था, ये डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये भी तेल में मिक्स हो जाए। जो सूखा नारियल लिया है हमने वो कच्चा ही लिया है, तो वो भी अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो जाएगा इस तरह से पहले ही डालने से। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढक देंगे और 6 से 7 मिनट तक मसाले में अच्छी तरह से चिकन को पका लेंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है, तेल भी सब ऊपर आ गया है। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से तेल में भून लिया है।
अब जो हमने काजू और बादाम का पानी डालकर पेस्ट तैयार किया है ये डालेंगे और 2 मिनट तक काजू बादाम के पेस्ट को हमें अच्छी तरह से चिकन में भून लेना है। धीमी आंच कर दी है मैंने, इससे जो ग्रेवी है हमारी एकदम रिच बन के तैयार होती है। जिस तरह से शादियों में चिकन कोरमा होता है बिल्कुल उसी तरह से दावतों में शादियों में कोरमा होता है, उसी तरह का चिकन कोरमा हमारा बन के तैयार होता है। तो काजू बादाम को हमने पीसा था तो मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर निकाल लिया है, वो भी डाल देंगे। 2 मिनट तक भून लेना है हमें इसी तरह से। 2 मिनट तक काजू और बादाम के पेस्ट को हमने मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो हमने प्याज को इस तरह से दरदरा पीसा है ये डालेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा पीसने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और जब भी आप मसाले में डालें उसी टाइम पर प्याज को पीसे दरदरा सा, वरना जो है इसका रंग ज्यादा डार्क हो जाता है। 200 ग्राम हमने दही ली है, दही को हमने फेंट लिया है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है, एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हमें ढककर पकाना है, तो जो हमने दही डाला है बस उसी के पानी में चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए वहां तक हम इसे धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। तो अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और आप देख सकते हो कि अभी से ग्रेवी हमारी कितनी गाढ़ी दिख रही है। जिस तरह से शादियों में और दावतों में होता है कोरमा बिल्कुल उसी तरह की हमारी ग्रेवी बनके तैयार होगी। तो धीमी आंच पर मैं इसे ढक देती हूँ और दही के पानी में ही इसे हम चिकन के गलने तक पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह जो दही का पानी था उसी में चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और ग्रेवी भी आप देख सकते हो इसकी बहुत ही बढ़िया है। अब जो हमने आपको गरम मसाले बताए थे, जायफल, जावंत्री और बड़ी इलायची, तो उसका पाउडर हमने तैयार किया था, तो ये पाउडर डाल देंगे इसमें। 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ मैं इसमें। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, जिस तरह से शादियों में और दावत में कोरमा होता है बिल्कुल उसी तरह की आती है। और 1 चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जितना हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। चिकन तो हमारा ऑलरेडी पक चुका है, बस गरम मसाला हमने इसमें डाला है और केवड़ा एसेंस डाला है तो उसका फ्लेवर आ जाए, वहां तक हम 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। इस चिकन कोरमे को आप तंदूरी रोटी के साथ या राइस के साथ या नान के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही जबरदस्त लगता है। अब 2 मिनट के लिए बस हम गरम मसाले की खुशबू आ जाए वहां तक 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और जो हमने गरम मसाला डाला है माशाल्लाह से इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और आप देख सकते हो कि कोरमा हमारा किस तरह का अच्छा बना है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त कोरमा हमारा तैयार हुआ है और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त रिच क्रीमी वाला हमारा कोरमा तैयार हुआ है। इसे आप ईद पर अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा, आपकी तारीफ करते हो थकेगे नहीं, बहुत ही बढ़िया सी भी खुशबू आ रही है इसमें। तो इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।